Hello student, today we are going to continue with our exercise 6.5, question number 5. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो जैसे question number 5, ये मैंने एक tree बनाया, ठीक है, इस तरीके से ये tree बनाया. अब कोई तूफान आया, ठीक है, और वो तूफान आया और तूफान आने की वजह से ये जो ट्री है ना, ये इस तरीके से टूट गया, ठीक है, बीच में से टूट गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अगर हम देखें तो जहां से वो टूटा है, ये हाइट हमारी यहाँ पे बोला है कि वो 5 मीटर की लेंथ से वो टूट गया है, और वो मुड़ने के बाद जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो यहाँ पे ये जो है ये 12 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है. तो हमसे पूछा गया है इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी थी, यानी कि कंप्लीट हाइट कितनी थी. यानी कि सबसे पहले मुझे ये अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, और फिर इस हाइपोटेनस को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाइपोटेनस और इस 5 को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगा. तो ये मैंने तुम लोग समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया. अभी हम मैथमेटिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दैट इज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी राइट एंगल एट बी, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 12 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड ए सी. तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी तो मेरे को निकालना है, ए बी हम लोगों को गिवन है 5 स्क्वायर, एंड बी सी भी हमें गिवन है 12 स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25, एंड बी सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज 144. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 144 प्लस 25, तो मेरा आता है 169. सो ये यहाँ पे स्क्वायर है, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो ए सी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू 169. 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 13 × 13 इतना होता है, तो ये हो जाएगा, एक बार आएगा यानी कि 13 सेंटीमीटर. तुम लोगों का आज का होमवर्क ये भी है कि तुम्हें 20 तक सारे स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर नंबर होना याद होने, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ऐसे तुम्हें 20 तक सारे स्क्वायर नंबर याद रखने हैं. ओके, नाउ ये हम लोगों का निकल गया, हमने ए सी निकाले, लेकिन हमसे पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. सो जो हमारा ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री होगा, हाइट ऑफ द ट्री वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस दिस ए बी प्लस ए सी. तो इनको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी. ए बी हमें 5 मीटर दिया हुआ है और ए सी हमें 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. अब मैं अगर इसको प्लस करती हूँ तो फिर हम लोगों का कितना आंसर आएगा, 18 मीटर. सो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 18 मीटर. So let's move to question number 6. So question number 6, angle Q and R of triangle PQR. This is triangle PQR, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है. इसका जो एंगल Q है वो 25 डिग्री है और एंगल R है वो 65 डिग्री है. तो हमें देखना है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकालेंगे. अगर तो ये 90 डिग्री आ रहा है तो फिर ये लगेगा, अगर तो ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो फिर ये देखना ही नहीं है. तो सबसे पहले हम इसका एंगल निकालते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल पी, एंगल क्यू हमें दिया हुआ है 25 डिग्री,
एंगल आर हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, एंगल आर हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, तो एंगल पी ये 65 + 25 = 90 डिग्री होता है, ये यहाँ प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है, और ये हम लोगों का ट्रायंगल था, ठीक है। दिस इज पी क्यू आर, तो ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो पाइथागोरस थ्योरम देखा जाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर पी स्क्वायर, तो दिस सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 41 सेंटीमीटर। मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का नाम हम लिख लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और उस रेक्टेंगल की एक साइड हम लोगों को दी है, तो मान लेते हैं कि हमें लेंथ दी है, कोई सी भी लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ कोई सी भी लिख सकते हैं, एंड देन एक डायगनल दी है, और वो जो डायगनल है वो है 41 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल दैट ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होता है। सो ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी जो दूसरी साइड है बी सी वो निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वहाँ से तुम लोगों को फिर पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। द डायगनल ऑफ अ रॉम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक रॉम्बस दिया हुआ है, रॉम्बस जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमें ये रॉम्बस दिया हुआ है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये ए सी और बी डी ये डायगनल्स हैं, और ये दोनों डायगनल्स क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के, मैं इसको ओ लिख लेती हूँ, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और बाइसेक्ट कहाँ करती हैं, 90 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ए सी दिया हुआ है, डायगनल्स दी हुई है, एक 16 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर है और ये वाली 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से इसका फिगर बनाऊं, इस तरीके से फिगर बनाओ, तो ये ए सी 13 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करी, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी, यानी कि ये भी 15 सेंटीमीटर होगा और ये भी 15 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये वाला 15 सेंटीमीटर और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और ये बी डी है, ये कितना दिया हमें 16 सेंटीमीटर, अब ये भी क्या कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 का हाफ कितना होता है 8, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया ए ओ डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखा के हम ए डी निकालेंगे, ठीक है। तो फिर इन ट्रायंगल AOD, तो AOD यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। अब AD स्क्वायर AO स्क्वायर यानी कि AO हमें कितना, हमारा AO कितना है,
AO हमारा 15 सेंटीमीटर और DO हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, AO हमारा 15 सेंटीमीटर है और DO हमारा 8 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 225 और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 64। तो 225 और 64 को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर हमारा आता है 289। तो AD इज इक्वल्स टू 289। सो AD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17 सेंटीमीटर आई थिंक सो। यस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17 इंटू 17। तो AD इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के साइड निकल गई, देयरफॉर साइड ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रॉम्बस आर इक्वल। ठीक है, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रॉम्बस आर इक्वल। तो फिर पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस क्या हो गया, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ, हमसे रॉम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए पूछा है, तो 4 इंटू साइड, जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वही रॉम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17। तो 17 इंटू 4 कितना होता है, तो 17 इंटू 4 इज 68 सेंटीमीटर। सो हम लोगों का पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस कितना आया, 68 सेंटीमीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।